नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर आर के सैनी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि खेत में कहीं कहीं पर नरमा कपास के पौधे मुरझाने लगते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे खेत में पानी खड़ा हो जाना या जड़ गलन रोग, विल्ट अथवा पैराविल्ट का प्रकोप होना। इस वीडियो में हम जड़ गलन रोग के बारे में बात करेंगे। जड़ गलन रोग यानी रूट रॉट जमीन में मौजूद एक फंगस के कारण होता है, जिसकी रोकथाम संभव है। आओ आगे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। नरमा कपास का जड़ गलन रोग। प्रकोप के शुरुआती लक्षण इस प्रकार से हैं, पौधों का मुरझाना यानी पौधे मुरझाने लगते हैं। ये देखिए, आरंभ में इस प्रकार से पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं और धीरे धीरे खेत में अन्य पौधे भी इस रोग की चपेट में आ जाते हैं, आसपास के वो भी मुरझाने लगते हैं। देखिए इस खेत में कितने पौधे मुरझा गए हैं। ये देखिए, ये एक पैच है, पूरा एक क्षेत्र है एक किले में, जहाँ पे कई पौधे ऐसे मुरझा गए हैं। बाद के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं, जब ऐसे पौधों की छाल को उतारते हैं तो गल कर उतर जाती है आसानी से और पौधे सूखने लगते हैं। ये देखिए इसकी जड़ को छाल कैसे लूज हो गई है और हाथ लगाते उतर जाती है। ये इसकी खास पहचान है जड़ गलन रोग की। ये देखिए बाद में पौधे जगह जगह पर जो मुरझाए थे वो सूख गए हैं, काले पड़ गए हैं और ऐसे क्षेत्र आप कई खेतों में देख सकते हैं। ये जड़ गलन रोग के कारण है, रूट रोट के कारण। रोकथाम के उपाय, जिन खेतों में कई वर्षों से यह समस्या हो उन खेतों में 3-4 साल नरमा की बिजाई ना करें। अप्रैल मई में खेत की गहरी जुताई कर खेत को धूप लगने के लिए छोड़ें, ये बहुत जरूरी है। बीज को कार्बनडाइजिम 50% से सूखा उपचारित करके बोएं। खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देते ही कार्बनडाइजिम से ड्रेंचिंग करें, यानी कि दवाई का घोल पौधों की जड़ों में डालें। प्रति पौधा दवा का 100 से 200 मिलीलीटर घोल प्रभावित व आसपास के पौधों की जड़ों में डालें। अगर पौधा फिर मुरझाने लगे तो दोबारा घोल डालें। एक किसान का अनुभव है, उसने हमारे सलाह के अनुसार ऐसा किया। उसने बाविस्टिन यानी कार्बनडाइजिम का घोल पौधों के जड़ों में डाला, जो पौधे मुरझा गए थे वो बाद में फिर से रिकवर करने लगे, यानी कि फिर से उनके बढ़वार होने लगी। ये किसान है खंड कैरू के सुंगरपुर के श्री राजेंद्र। ये देखिए इसके आगे जो पौधा, ये छोटा जरूर है लेकिन ये मुरझा गया था पहले, जो दवाई डालने से वापस फिर चल पड़ा है। धन्यवाद। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।